हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा संघ कार्डेटा, यानी कि फाइलम कार्डेटा के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको संघ कार्डेटा के कुछ सामान्य लक्षण और कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में बताने वाला हूँ। देखिये, अगर हम बात करते हैं संघ कार्डेटा के जीवों की, तो संघ कार्डेटा के जीव में हम आप ठीक है एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, कार्डेट है। तो अपने शरीर के बारे में हम जानने वाले हैं आज, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में हम संघ कार्डेटा के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ बातें लिख रखा है और एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम ही हमें बताता है कि संघ कार्डेटा के क्या क्या लक्षण है, क्या क्या हो सकते हैं संघ कार्डेटा के अंदर परिवर्तन, उनके बारे में ये डायग्राम ही बताता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं कुछ मोटी मोटा बातों की, तो हम कुछ बातें यहाँ पर आपको लिख करके समझाने वाले हैं। बाकी की बातें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और अगली स्लाइड पर भी मैं लिखूंगा, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने कुछ बातों को लिख दिया है और कुछ बातें जो आपको समझाने के लायक है लिख करके उसको मैं लिख करके समझाऊंगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो कार्डेटा शब्द है, ये जो शब्द कार्डेटा है वो आया कहां से, इस शब्द की बात कर लेते हैं। तो ये शब्द आया कहां से, देखो ये जो कार्डेटा शब्द है वो बना हुआ है एक लैटिन वर्ड से। लैटिन एक देश है, वहां का एक शब्द है जिसका नाम है कार्डा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कार्डा। अब ये बेटा कार्डा क्या होता है, अब कार्डा का मतलब होता है कार्ड, ठीक है। कार्डा का मतलब क्या होता है, कार्ड होता है, ठीक है। कार्डा का मतलब क्या होता है, कार्ड होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो संघ कार्डेटा है, इस संघ का नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लिया था, या फिर कह लें कि संघ कार्डेटा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या फिर हम कह लें कि टर्म कार्डेटा यूज्ड बाय, यानी कि किसने कार्डेटा टर्म का यूज किया था, यानी कि हम बात करते हैं टर्म कार्डेटा। तो टर्म कार्डेटा की बात करते हैं, तो टर्म कार्डेटा देने वाले एक वैज्ञानिक है बालफोर, ठीक है। अंग्रेजी में कहे तो वोल्फोर और हिंदी में कहे तो बालफोर नाम के वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1880 ईस्वी में संघ कार्डेटा शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि अगर हम कहें तो टर्म कार्डेटा किसने दिया था, टर्म कार्डेटा गिवेन बाई कहें या टर्म कार्डेटा यूज बाई कहें, तो देने वाले वैज्ञानिक का नाम है, या यूज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बालफोर। कब, इन 1880, यानी कि 1880 ईस्वी में बालफोर नाम के वैज्ञानिक ने संघ कार्डेटा का प्रयोग किया था, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस संघ कार्डेटा के अंदर कितनी जातियां आती हैं, अब अगर हम यहां पर खास बात करते हैं, तो यहां पर कुछ जो जातियां हैं संघ कार्डेटा की वो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ जो जातियां हैं वो जिंदा हैं। तो लगभग कितनी जातियां जिंदा हैं और कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, तो अगर हम बात करते हैं संघ कार्डेटा के अंदर स्पीसीज की, यानी कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज, मैं समझ सकता हूं कि आपको यहां पर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा देखने में कठिनाई हो रही है, ताकि मैंने यहां पर छोटा छोटा शब्द लिखा हुआ है ताकि सब कुछ मैं कम जगह में एडजस्ट कर सकूं। हालांकि मैं आपको एक पीडीएफ इस बार दूंगा, पक्का वादा करता हूं दूंगा। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं, तो यहां पर जो नंबर ऑफ स्पीसीज है हम उसको दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। पहला जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि विलुप्त जातियां, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी कि बात करते हैं विलुप्त जातियां, विलुप्त जातियां, यानी कि संघ कार्डेटा के विलुप्त जातियों की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लिविंग स्पीसीज, यानी कि जीवित जातियां, जीवित जातियां। चलिए, अगर हम बात करते हैं संघ कार्डेटा के कितनी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं अब तक, तो अगर हम कहें तो लगभग 25,000 जातियां जो हैं वो संघ कार्डेटा की विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि पृथ्वी से समाप्त हो चुकी हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कितनी जातियां जीवित हैं, तो आप किसी किसी किताब में देखेंगे 45,000, तो किसी किताब में लिखा हुआ है 55,000, तो हम इन दोनों के बीच का मान लेते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं जीवित जातियों की संख्या, तो 45,000 से 55,000 तक की जो जातियां हैं,
ठीक है, इतनी जो जातियां थार डेटा की अभी तक जीवित हैं, जिसमें से हम लोग एक हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं संकार डेटा के कुछ लक्षणों की, तो हम लक्षणों में बात करेंगे दो चीजों की। पहले लक्षण की बात करेंगे इसके मूल लक्षण की, यानी कि प्रमुख लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सामान्य लक्षण की, जो अभी तक हमने पढ़ते आया है पिछले 10 संघ के अंतर्गत, यानी कि हम पढ़ाया वहां पर शरीर का संगठन कैसा होता है, समिति कैसी होती है, और देहगुहा पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, उसका पाचन कैसा होता है, इन सभी बातों को भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम की बात करते हैं, तो ये डायग्राम देखिए एक कार्डेटा को रिप्रेजेंट करता है ये डायग्राम, और इसी डायग्राम के बारे में मैंने यहां पर एक एक पॉइंट चुन चुन करके लिखा हुआ है। चलिए अगर हम बात करते हैं संघ कार्डेटा के मूल लक्षण की, यानी कि बेसिक फीचर ऑफ फाइलम कार्डेटा की बात करते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो संघ कार्डेटा के जीव होते हैं उनके अंदर मेरुरज्जु या पृष्ठ रज्जु यानी कि नोटोकार्ड जो होता है वो उपस्थित होता है, जो कि मैंने को यहां पर बना रखा है, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको मोटा सा, ये नोटोकार्ड यानी कि पृष्ठ रज्जु है, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले। देखो क्या होता है कि यह संघ कार्डेटा के जंतुओं के शरीर की मध्य पृष्ठ रेखा पर स्थित लंबी छड़नुमा लचीली संरचना होती है, यानी कि बात करते हैं जो पृष्ठ रज्जु होती है वो क्या होती है, जो संघ कार्डेटा के जीव होते हैं इनके मध्य पृष्ठ पर, ठीक है, मध्य पृष्ठ यानी कि बीच वाले भाग में स्थित एक रेखा होती है, और वो रेखा कैसी होती है, लंबी होती है, छड़ के जैसी होती है और लचीली होती है। भाई जैसे अगर हम बात करते हैं झुक रहे हैं ना, जैसे झुक रहे हैं तो हम पूरा झुक जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो पृष्ठ रज्जु है कैसा है, वो लचीला है, इस वजह से हम झुक जा रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं जो इन जंतुओं के जीवन में किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि जो नोटोकार्ड होता है वो कार्डेटा संघ के जंतुओं में भ्रूणी अवस्था से लेकर के वयस्क अवस्था तक किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। और कभी कभी क्या होता है किसी जंतु में ये नोटोकार्ड जो होता है वो जीवन पर्यत्न रहता है, यानी कि भ्रूण अवस्था से लेकर के जब तक वो मर नहीं जाता तब तक ये नोटोकार्ड उसमें उपस्थित रहता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें ये नोटोकार्ड गायब हो जाता है या इसका रूप जो होता है वो बदल जाता है। देखिए आगे की पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि कुछ कार्डेट्स यानी कि कुछ जो कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं उनमें पृष्ठ रज्जु अस्थायी रूप से बनी रहती है। पृष्ठ रज्जु क्या होती है, अस्थायी रूप से बनी रहती है, जबकि अधिकांश व्यस्क में यह मेरुदंड या कशेरुकदंड जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं बदल जाता है। यानी कि कुछ जो छोटे छोटे जंतु होते हैं उनमें जो पृष्ठ रज्जु होती है वो जीवन पर्यत्न बनी रहती है, लेकिन कुछ अधिकांश जंतु जो होते हैं जैसे हम आप हो गए, जैसे मानव की बात करते हैं तो मानव के अंदर जो पृष्ठ रज्जु होता है वो क्या होता है, मेरुदंड यानी कि कशेरुकदंड में बदल जाता है। देखो यहां पर जो हमारा बीच में होता है इसको हम कशेरुकदंड कहते हैं, जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं उसके अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कौन, ये जो ब्लैक कलर का आपको नोटोकार्ड दिख रहा है ये वाला। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है कि पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डॉर्सल ट्यूबुलर सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। अब अगर बात करते हैं जो हमारा डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम क्या है, देखो ये वाला जो आपका दिख रहा है ब्लू कलर का जो पूरा खाली स्थान दिख रहा है ये वाला, ये क्या आपका डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड है, यानी कि हम बात करते हैं पृष्ठ नालवत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं संघ कार्डेटा के जंतुओं के शरीर में मध्य पृष्ठ रेखा में एक गहरी खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। देखो मध्य पृष्ठ रेखा ये हो गया, और इसी मध्य पृष्ठ रेखा में क्या है, एक सिंगल लेयर की खोखली, देखो पूरा खाली है ना, तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड है, ठीक है, इसका जो निर्माण होता है ये बनता कैसे है? जो एम्ब्रियो होता है उसका जो बाह्य जर्म स्तर होता है एक्टोडर्म जो होता है उसके द्वारा ये निर्मित होता है, उसके द्वारा ये बनता है। कौन, जो आपका नर्व कार्ड होता है। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि जो आपका डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होता है वो कैसे बनता है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि भैया ये जो डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड होता है ये ना जो भ्रूण होता है उसके एक्टोडर्म से बनता है। बस समझ में आई। आगे अगर हम चलते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखिए अधिकांश कार्डेटा में यह सिर में मस्तिष्क का निर्माण करता है तथा शेष भाग मेरुरज्जु या सुषुम्ना का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर बात करते हैं जो अधिकतर कार्डेटा संघ के जीव होते हैं उनमें ये जो आपका डॉर्सल नर्व कार्ड होता है वो क्या करता है, मस्तिष्क का निर्माण करता है। किसका, जो ब्रेन होता है उस ब्रेन का निर्माण करता है। लेकिन कुछ जो होते हैं उसके अंदर ये क्या करता है, आपका मेरुरज्जु यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका, या फिर उसको हम एक और नाम देते हैं सुषुम्ना का निर्माण करते हैं। कौन, जो डॉर्सल नर्व कार्ड होता है वो।
अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अगला पॉइंट जो ब्रेन होता है और जो नोटोकार्ड होता है, यानी कि जो मस्तिष्क होता है जो खपरोही के अंदर पाया जाता है वो, और जो आपका ये मेरुदंड जो जिसको हमने सुषुम्ना कहा था, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, CNS यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई? जब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे बनता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, तो आप सीधा सा बताएंगे कि जो आपका ब्रेन होता है वो और मेरुरज्जु, ठीक है, मेरुरज्जु यानी कि सुषुम्ना जो होती है वो मिलकर के क्या करती है, ब्रेन और सुषुम्ना मिलकर क्या करती है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अगर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट क्या है इस डायग्राम के बारे में, तो तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट है ग्रसनी विदर या क्लोम दरारे, जिसको हम फरेंजियल क्लेफ्ट या गिल क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। देखिए ये जो आपको ब्लू रंग का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, छेद हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो आपका ब्लू रंग का दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या आपका फरेंजियल क्लेफ्ट है, जिसको हम गिल्स क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में कहें तो ग्रसनी विदर या क्लोम दरार के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है, जब भ्रूण में कोई चीज रहता है, कोई भी जीव एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब रहता है, तो ये क्या करता है, श्वसन क्रिया में सहायता करता है। अब ये पाया कहां जाता है, ये आपकी जो ग्रसनी होती है ना, ये वाली, यहां पर जो होते हैं ये पेयर में यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं, जो सांस लेने में मदद करते हैं। आगे क्या होता है कि ये कुछ जंतुओं में तो रह जाते हैं वैसे ही, ठीक है, और कुछ जंतुओं में क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं, और इसके द्वारा जिस अंग का निर्माण होना होता है वो होता है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं यहां पर आपको पढ़कर सुनाए तो क्या है, तो देखिए यहां पर क्या है, संकार्डेटा के जंतुओं के भ्रूण में ग्रसनी की दीवारों में श्वसन हेतु जोड़ीदार पार्श्व क्लोम दरार पाई जाती है, यानी कि ये क्या रहा है कि श्वसन क्रिया को करने के लिए जो क्लोम दरार होती है ये पाई जाती है, और कैसा होता है, जोड़े में होता, पेयर में पाया जाता है। आगे क्या लिखा है कि जलीय कार्डेट में यह आजीवन रह करके श्वसन में सहायक होती है, यानी कि जो जलीय जंतु होते हैं जैसे मेढक हो गया, ठीक है, मछली हो गई, ये जलीय कार्डेट है, और इनके अंदर क्या होता है, ये जो हमारा फैरिंजियल क्लेफ्ट होता है वो जीवन पर्यंत रहता है, जब से ये बच्चा बनते हैं तब से लेकर के जब तक ये मर नहीं जाते तब तक इनके पास रहता है, और इसका जो काम होता है वो श्वसन क्रिया करने का होता है, यानी कि रेस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जबकि व्यस्क में हो जाती है, ठीक है, जबकि व्यस्क में हो जाती है और ये जबड़े वो अस्थियों में बदल जाती है, यानी कि बात कर रहा है कि कुछ जो आपके व्यस्क कॉर्डिनेट होते हैं, जैसे कि हम लोग होते हैं, तो हम लोगों के शरीर में क्या होता है, ये जो फेरेंजियल क्लेफ्ट होता है वो जबड़े और अस्थियों में बदल जाता है, हड्डियों के रूप में बदल जाता है। आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ब्लैक कलर का, ये आपका पृष्ठजीय नोटोकार्ड है। ये क्या होता है भाई, ये लचीला छड़ के जैसा संरचना होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड की बात करते हैं, तो डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड क्या होता है, एक खोखली संरचना होती है जो पृष्ठ मध्य में पाई जाती है, और यहां पर कुछ पृष्ठरज्जु बनाती है और कुछ मस्तिष्क बनाती है, पृष्ठरज्जु और मस्तिष्क मिलकर के आपके केंद्रीय तंत्र का निर्माण करती है। फारेंजियल क्लेफ्ट की बात करते हैं तो फारेंजियल क्लेफ्ट क्या करता है भाई, श्वसन क्रिया में सहायता करता है, जलीय जंतुओं में ये जीवन पर्यंत रहता है, बाकी जो आपके स्थलीय होते हैं ये इसमें क्या होता है, ये समाप्त होकर के अस्थि या जबड़े का निर्माण करता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने अच्छे से इस लेक्चर को सुना है तो आपको कुछ ना बातें आज याद हो गई होंगी या आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें तो आप इस पॉइंट को नोट करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF जरूर देने वाला हूं आज। चलिए अगर हम चाहते हैं, चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इसको नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए और अगले पॉइंट को हम आपको समझाते हैं। अगर हम बात करते हैं मूल लक्षण में, चौथा मूल लक्षण जो कि आखिरी मूल लक्षण है संकार्डेटा का, इसमें क्या है, पोस्ट गुदा पुच यानी कि पोस्ट एनल टेल की बात करें, यानी कि देखो यहां पर जो आपका ये पूछ है इसके बारे में और जो आपका ये एनएस यानी कि गुदा है इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो हमको पता है कि जो गुदा होता है उसका काम क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट गुदा पुच होता क्या है, कंबाइंड रूप से इसके बारे में जानते हैं। देखिए अधिकतर कॉर्डेट्स में पुच शरीर
का गुदा से पीछे का पेशी युक्त ठोस कंकाल युक्त व मूलतः खंड युक्त होता है। यानी कि बात करते हैं जो पुच होता है किसी भी जीव के अंदर वो क्या होता है, गुदा यानी कि जो आपका एनस होता है उसके बाद उसके पीछे होता है। यहां पर भी देख लो आपका जो एनस है वो पहले और पुच जो है वो क्या है लास्ट में। और अगर हम बात करते हैं संकार्डेटा के अंदर जो पुच होता है वो खंड युक्त होता है, ठीक है, खंड युक्त होता है, पेशी यानी कि मांसपेशियों का होता है, ठीक है, कंकाल युक्त होता है, ठोस होता है, ठीक है, किसमें अंदर, कार्डेटा के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यह पुच जो होता है वो कार्डेटा के जलीय होने का प्रमाण बताता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो संकार्डेटा के जीवों का विकास हुआ है वो जल के अंदर से हुआ है, तो इसलिए जो कार्डेटा के अंदर पूछ पाया जाता है वो पूछ बताता है कि संकार्डेटा जलीय जीव हुआ करता था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो संकार्डेटा के अंदर पूछ पाया जाता है ये जल के अंदर गमन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करता है। उसके बाद बात करते हैं तो स्थल पर यह रूपांतरित हो चुकी है यानी कि जो पूछ होता है वो जमीन के ऊपर धरती पर क्या हो गया, रूपांतरित हो गया है और व्यस्क में ये समाप्त हो गई। यानी कि अगर हम बात करते हैं हम लोगों में आप लोगों में जो पूछ है वो समाप्त हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं एनस देखेंगे जो आपको गुदा होता है उसके ऊपर देखेंगे तो ठुड्डी के जैसा दिखाई देता है, यानी कि वो बताता है कि हम लोगों के पास भी पूछ हुआ करता था। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट जो होगा आपका वो संकार्डेटा के समान लक्षण होंगे जो अन्य संघों से मिलते जुलते होंगे। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो चीजें आपने संघ पोलिफेरा में पढ़ा, सिलेंट्रेटा में पढ़ा जिसको निडेलिया कहते हैं, एसके हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस और काइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, इन सभी में पढ़ा, तो उसी लक्षणों के मिलते जुलते कुछ लक्षण के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इनके जो शरीर का संगठन होता है वो कैसा होता है, इनके शरीर की समिति कैसी होती है, इनमें जर्म स्तर की संख्या कैसी होती है, देह प्रारूप कैसा होता है और इनमें श्वसन कैसा होता है और इनमें जनन कैसा होता है, इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि आपका सामान्य लक्षण हो जाएगा जिसको हम कहते हैं जनरल कैरेक्टर। इन बातों को मैं फटाफट लिखता हूं आपको समझाते चलता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नंबर एक में आ जाता है शरीर का संगठन, शरीर का संगठन। अगर हम बात करते हैं शरीर के संगठन में तो संकार्डेटा के जितने भी जंतु होते हैं इनके शरीर का संगठन कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का, ठीक है। यानी कि यहां पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं, श्वसन को करने के लिए श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, जनन को करने के लिए जनन तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं सम्मिति कैसी होती है इसकी, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसके सिमेट्री की तो सिमेट्री कैसी होती है, तो ये द्विपार्श्व सम्मिति के होते हैं, द्विपार्श्व सम्मिति। अर्थात अगर हम बात करते हैं द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब क्या होता है, द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब ये होता है कि इस जीव को अगर हम टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे तक बांटते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं ये कोई संकार्डेटा का एक प्राणी हो गया जिसका नाम है झिंगालाल, और इस झिंगालाल को अगर हम क्या करें ऊपर से ऐसे नीचे तक बांटते हैं तो क्या हो जाएंगे, दो बराबर भागों में बंट जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो संकार्डेटा के जीव होते हैं उसमें अधिकतर अंग जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं यानी कि पेयर में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आ जाता है जर्म स्तर की संख्या, जर्म स्तर की संख्या। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर जर्म स्तर की संख्या तो यहां पर जर्म स्तर की संख्या तीन होती है, अर्थात ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं त्रिकोरकी होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, यानी कि यहां पर जर्म स्तर की संख्या बाह्य जर्म स्तर, मध्य जर्म स्तर और अंतर जर्म स्तर पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चौथे नंबर पर देह प्रारूप की, देह प्रारूप की बात करते हैं जिसको हम बॉडी फॉर्म कहते हैं, तो देह प्रारूप की बात करते हैं तो यहां पर देह प्रारूप जो होता है वो नलिका के अंदर नलिका होता है, नलिका के अंदर नलिका होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे ये कोई शरीर हो गया, ठीक है, देह गुहा हो गया, जस्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं, देह गुहा हो गया ये, ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम देह गुहा कहेंगे। अब इस देह गुहा के अंदर क्या हो जाएगा, एक और नलिका पाई जाएगी, ठीक है। अब इस नलिका में क्या हो जाएगा, ये आपका मुख द्वार हो जाएगा, मुख द्वार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा गुदा
नाल हो जाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो देह गुहा है वो एक नली है और इस एक नली के अंदर आहार नाल पाई जा रही है, जो आहार नाल मुख गुहा और गुदा नाल दोनों तरफ खुली होती है, इसका मतलब ये हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे पांचवें नंबर पर बात करते हैं देह गुहा की, देह गुहा यानी कि बात करते हैं सिलोम की, तो यहां पर जो देह गुहा होती है वो उपस्थित होती है, देह गुहा उपस्थित होती है, अर्थात जितने भी कार्डेटा होते कैसे होते हैं प्रगुही होते हैं, यानी कि ये सभी क्या होते हैं सिलोम होते हैं। यानी कि बात करते हैं तो ये जो आपका देह गुहा है और ये आपका आहार नाल है, सॉरी हाँ देह भित्ति देह यानी ठीक है देह भित्ति की बात करते हैं, ये देह भित्ति है और ये आपका आहार नाल है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच में क्या है एक खाली स्थान पाया जा रहा है। ठीक है, दोनों तरफ क्या हो रहा है खाली स्थान पाया जा रहा है, इसको क्या कहेंगे देह गुहा कहते हैं। ठीक है, आहार नाल और देह भित्ति के बीच में जो खाली स्थान पाया जाता है उसको देह गुहा कहते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बॉडी वॉल के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को हम क्या कहते हैं देह गुहा यानी कि सिलोम कहते हैं। छठे नंबर पर बात करते हैं तो छठे नंबर पर आता है आपका खंडी भवन, खंडी भवन की बात करते हैं यानी कि बात करते हैं यहां पर सेगमेंटेशन की, तो अगर हम बात करते हैं जो हमारे कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं उनमें क्या होता है खंड पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल देखो अपने अंगुली को देखो यहां से मुड़ रहा है यहां से मुड़ रहा है यहां से मुड़ रहा है, कलाई भी मुड़ रही है, हाथ भी मुड़ रहा है, फैल रहा है, नीचे भी जा रहा है, यानी कि अगर हम बात करते हैं जहां जहां पर जोड़ है वहां वहां पर एक खंड है और यहां पर क्या होता है वास्तविक खंड पाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर खंड कैसा पाया जाता है वास्तविक खंडी भवन, वास्तविक खंडी भवन उपस्थित होता है, वास्तविक खंडी भवन उपस्थित होता है। उसके बाद हम अगर सातवें नंबर पर बात करते हैं तो पृष्ठ रज्जु की बात करते हैं। अभी जो कुछ भी आपने पढ़ा तो आपको अगर थोड़ी सी बातें याद होंगी तो हमने बताया कि जो कार्डेटा संघ के जंतु होते हैं उनमें पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति इनका प्रमुख लक्षण होता है, यानी कि कार्डेटा संघ के जंतुओं में पृष्ठ लक्षण की उपस्थिति क्या होता है प्रमुख लक्षण होता है, यानी कि इनमें क्या होते हैं पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं अर्थात ये क्या होते हैं रज्जुकीय होते हैं, रज्जुकीय होते हैं। अगले नंबर बात करते हैं तो जो आठवां नंबर है आपका वो आठवां नंबर में बताता है कि इसमें परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। देखो हमने अभी आपको बताया कि यहां पर अंग तंत्र अस्तर का संगठन पाया जाता है, यानी कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग के अंग पाए जाते हैं, तो यहां पर परिसंचरण तंत्र क्या होता है परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, परिसंचरण कैसे होता है तो परिसंचरण परिसंचरण तंत्र के द्वारा होता है, और प्रकार कैसा होता है परिसंचरण तंत्र का तो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो रुधिर का बहाव होता है वो कैसा होता है तो रुधिर का बहाव नलिकाओं के द्वारा होती है, छोटी बड़ी मोटी महीन नलिकाओं के द्वारा यानी कि नसों के द्वारा होता है, और हमारे रुधिर में क्या होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो एक श्वसनीय वर्णक होता है, और इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो संकार्डेटा के जंतु होते हैं उनका रुधिर कैसा होता है लाल रंग का होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर नौवें नंबर पर तो बात करेंगे हम पाचन तंत्र की, तो पाचन तंत्र कैसा होता है इसमें पूर्ण पाचन तंत्र होता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पूर्ण पाचन तंत्र यानी कि यहां पर आहार नाल मुख गुहिका सभी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं दसवें नंबर पर जनन की बात करते हैं तो जनन कैसा होता है, देखो अगर हम जनन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमको जानना ये होगा कि संकार्डेटा के जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होते हैं, तो हम जानते हैं कि भाई हम भी कार्डेटा है आप भी कार्डेटा है, तो हम दोनों के अंदर क्या है हम दोनों के अंदर क्या है नर मादा अलग अलग है, यानी कि ये क्या होते हैं एक लिंगी होते हैं अर्थात नर मादा अलग अलग होते हैं। और इसके बाद अगर हम जनन के प्रकार की बात करते हैं तो यहां पर लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। और अगर हम बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की तो निषेचन कैसा होता है तो इसमें निषेचन बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, इतना समझ में आया। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो मैं यहां पर बगल में इसको मिटा करके यहीं पर लिखता हूं ताकि एडजस्ट हो जाए पूरा पूरा।
चलिए दसवां नंबर ये था। ग्यारहवें नंबर की बात करते हैं तो ग्यारहवें नंबर में आपका क्या जाता है परिवर्धन। परिवर्धन कैसा होता है, इसमें परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष। तो यहां पर बात करते हैं जो परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट होता है ब्रॉडकास्ट, वो दो प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष का मतलब बात करते हैं तो डायरेक्ट भ्रूण बनता है यानी कि जो मानव होते हैं यानी कि हम लोग होते हैं तो मानव में जो परिवर्धन होता है कैसा होता है, प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। और अप्रत्यक्ष किसमें पाया जाता है, अप्रत्यक्ष जिसमें पाया जाता है जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर में बात करते हैं स्पेशली मेढक की बात करते हैं तो मेढक में जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है लार्वा के रूप में, जिसको हम टैडपोल लार्वा के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बारहवें नंबर पर बात करते हैं तो बेटा बारहवें नंबर पर क्या आ जाता है, तो बारहवें नंबर पर यहां पर आ जाता है संवेदी अंग, संवेदी अंग। तो यहां पर संवेदी अंग जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। संवेदी अंग उपस्थित होते हैं अर्थात बात करते हैं तो यहां पर जो संवेदी अंग होते हैं वो आंख कान नाक जीभ त्वचा होते हैं, पांच संवेदी अंग पाए जाते हैं, हमने आपको बार बार बताया है ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तेरहवें नंबर पर जो कि आपका आखिरी हो जाएगा, तेरहवां नंबर होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन की बात करते हैं तो यहां पर उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, उत्सर्जन तंत्र द्वारा होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में उत्सर्जन के लिए गुदा नाड़ पाया जाता है और वृक जो होता है वो पाया जाता है, पेनिस होता है। उसके बाद उत्सर्जन के लिए बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है जिसको हम जैसे पसीने की ग्रंथि हो गई, वो भी उत्सर्जन का काम करता है। तो अब अगर हम बात करते हैं जो सबसे आखिरी पॉइंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उदाहरण, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होता है संख्या डेटा का, देखो सबसे बड़े एग्जाम्पल हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं यानी कि मानव ठीक है, मानव की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक उभयचर के लेते हैं मेढक, पक्षी, मछली आदि संख्या डेटा के क्या है उदाहरण है। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको आज इस क्लास में बताया है सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।